गर्मियां शुरू होते ही राजधानी देहरादून आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होना भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा और पर्यटन सीजन चल रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए राजधानी देहरादून से जाने और राजधानी देहरादून आने वाली ट्रेनों की, तो सभी ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। जहां एक तरफ लोगों को ट्रेन में टिकट न मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि स्टेशन की व्यवस्थाएं तो ठीक हैं, लेकिन अगर ट्रेनों में डिब्बों की संख्या और कुछ ट्रेनों को बढ़ा दिया जाए तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी। अगर बात की जाए ट्रेन के डिब्बों की, तो डिब्बों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर व्यवस्थाओं पर बात की जाए तो ट्रेन में पंखे और बिजली की व्यवस्था न होने से लोगों को गर्मियों में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि स्टेशन पर व्यवस्थाएं तो ठीक हैं, लेकिन अगर इन रूटों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो फिर इससे यात्रा सीजन में पर्यटकों को और सहूलियत मिलेगी। भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन और इसमें एक डिब्बा होना चाहिए। हम लोगों के लिए लंबा सफर करते हैं, कभी हावड़ा जाना पड़ता है, कभी पटना जिला, कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कभी पंजाब भी जाना पड़ता है। जो 100% विकलांग है वो जा नहीं पाता है, पब्लिक खड़े रहता है, उसको बैठने जल्दी नहीं देता है। इसी वजह से किसी गाड़ी में हमारे को सीट नहीं मिली। अब टिकट रखी दिल्ली की, दिल्ली होकर जाएंगे। टिकट नहीं थी 12 बारी की, वो निकल गई। अब ये थी इसमें, ये निकल गई, अब ये इसमें सीट नहीं है। अब 9:20 पर आएगी, उसमें जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर हरियाणा। सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए, डब्बे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जनता में कम डब्बे हैं, भीड़ बहुत मिलती है, दिक्कत होती है जाने में। सफाई तो ठीक ठाक है, लेकिन डब्बे बढ़ाने चाहिए। संवाद 365 के लिए देहरादून से काजल की रिपोर्ट।